दोस्तों अभी बात करें, पार्ट टू से पटना ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। डेट फिलहाल फिर से एक्सटेंड कर दिया गया पार्ट टू पार्ट थ्री यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरने का। अब बात करें जिनका फिर कॉर्नर फॉर्म उसको बता रहा है वो क्या करेंगे, ये जानिए। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है पार्ट टू से पटना की तरफ से, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री के एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर 22 से 25 व 21-24 के सदर वालों के लिए कि एग्जाम फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जो डेट थी यहाँ पे बिना लेट फाइन के साथ यहाँ पे 2 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बात करें एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क है यहाँ पर यूजी रेगुलर पार्ट वन पार्ट टू जनरल बी सी टू कैटेगरी वाले को 700 रुपये और बीसी वन एस एस टी कैटेगरी वाले को 500। वो यूजी रेगुलर पार्ट थर्ड यहाँ पर मार्क्सिट के लिए 150, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए 250 और डिग्री फी के लिए 500। यानी बात करेंगे दोस्तों जनरल बी सी टू कैटेगरी को यहाँ पे 1600 रुपये देने हैं और बीसी वन एस एस टी को 1400 रुपये लगेंगे। वही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एग्जामिनेशन कॉलेज लॉगिन में ये दोस्तों यहाँ पे लिख दो, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर आपका अपने कॉलेज से ही होगा, ठीक है, आपको फिलहाल कॉलेज में ही फॉर्म फिलअप कराना पड़ेगा। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर कि दोस्तों कॉलेज जो पहुंचे थे सभी स्टूडेंट यहाँ पर को फॉर्म नंबर दे दिया गया है, सिर्फ जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड है उन्हीं के का नहीं हुआ है। इसलिए अगर अभी भी कोई स्टूडेंट जिनका फॉर्म नंबर नहीं मिला है वो 1 अप्रैल को कॉलेज पहुंचकर फॉर्म नंबर ले लें, ठीक है। यह रिकॉर्ड नॉट फाउंड दोस्तों इश्यू है तो पहले एप्लीकेशन एग्जाम डिपार्टमेंट में आपको जमा करना होगा, एप्लीकेशन लिख करके रिकॉर्ड नॉट फाउंड इशू का, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों आपको वहां पर क्या होगा, आपको फॉर्म तो फिलअप आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लिया होगा, फॉर्म भर करके आपने जमा कर ही दिया होगा, फिर फॉर्म नंबर अगर नहीं आया है तो संपर्क करें कॉलेज डिपार्टमेंट से। बात करें अगर यहाँ पर नो रिकॉर्ड फॉर्म दोस्तों बता रहा है, रिकॉर्ड नॉट फॉर्म बता रहा है, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिख के अपने एग्जाम में जो आपके डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे जमा करें, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को आपको अपने कॉलेज वाले। और बात करें इसके साथ ही साथ यहाँ पर उसके बाद क्या होगा जब वो आ जाएगा फॉर्म नंबर, फिलहाल ये देखिए वीडियो कॉल की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया लिस्ट यूजी के रेगुलर बी ऑनर्स पार्ट टू का फॉर्म नंबर, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन का रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स कौन सा कोर्स दोस्तों था एक बार यहाँ पर, सब्जेक्ट ऑनर्स का नाम, फादर्स नेम है और पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर डिटेल्स है। देख पा दोस्तों यहाँ पे इनका फॉर्म नंबर जनरेट किया गया है, तो फॉर्म नंबर दोस्तों आपको मिल जाएगा आपके अपने कॉलेज से, कॉलेज विजिट करेंगे फिर फॉर्म नंबर लेकर के आपको बस ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आप अपने एग्जाम फी का। इस तरीके से देख पा रहे पूरा दोस्तों डेटा तैयार कर दिया गया है, मैं डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, आपको वहां से मिल जाएगा। ये बात करें यूजी रेगुलर बी ऑनर्स पार्ट थ्री का है, देख पा पॉलिटी का फॉर्म नंबर दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है, 2312 से शुरू हो रहा है, बस इसी फॉर्म नंबर पे आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। चेकआउट कर लो फादर नेम के साथ, यहाँ पर देख पा रहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, यहाँ पर देख पा रहे पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का देखने को मिल जा रहा है। और ये बात करें पार्ट वन का है, बी ऑनर्स यूजी फेल जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर उनका है फिलहाल फॉर्म नंबर, एक बार जो यूजी फेल स्टूडेंट्स थे उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और किस कोर्स में थे यहाँ पर, सब्जेक्ट ऑनर्स फादर्स ने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो सारा सब्जेक्ट, ये सभी जो सब्जेक्ट आपका था किस में कितना मार्क्स का था ये सभी। तो इस सारे डिटेल्स के लिए आप एक बार कॉलेज से दोस्तों विजिट करें, वहाँ पे से आपको अपना फॉर्म नंबर मिल जाएगा। फॉर्म नंबर मिलने के बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो जब फॉर्म नंबर मिल जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा आप अपने गूगल पर आने के बाद PPPonline.in इस वेबसाइट को दोस्तों वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, सर्च करके आप इसे अपने क्रोम ब्राउजर से जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो बेसिकली उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ पूछेगा यहाँ पर, आप यहाँ पर इसे क्रॉस कर दीजिए, फिर यहाँ पर दोस्तों आ जाइए देख पा रहे हो सर एग्जामिनेशन के कॉर्नर में एग्जाम फॉर्म जिस पर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म और पेमेंट का, इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ सबको अपना एग्जाम फॉर्म रीप्रिंट भी करा लोगे तो आपको पेमेंट करने का आपको फॉर्म नंबर तो मिल गया है, 24 के बाद जो नंबर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या आप चाहे सर्च पर क्लिक करेंगे, फिर आपको दोस्तों पेमेंट करना होगा, आपको जो पेमेंट लग रही है पेमेंट करके यहाँ सबको प्रिंट का रिसिप्ट मिल जाएगा और एग्जाम फॉर्म का भी PDF में मिल जाएगा। वही सेकंड रूल अगर यहाँ पे है, अगर आप एग्जाम फॉर्म यहाँ से प्रिंट आउट करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है, फॉर्म नंबर डालेंगे 22 के बाद से जो नंबर है 23 से शुरू हो रहा है फर्स्ट 2 डिजिट छोड़ करके उसके बाद का सारा नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा के सर्च पर क्लिक करके यहाँ से आप फॉर्म नंबर डाउनलोड कर लोगे। और तो ये थी पार्ट से पटना की तरफ से पार्ट टू पार्ट थ्री एग्जाम की बहुत बड़ी अपडेट, वीडियो को लाइक करें आगे से पाने के चैनल से बने रहें।